नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 जिसका शीर्षक है जल भाग 2। इसके पहले भाग में हमने जल का संगठन पढ़ा, जल का वितरण पढ़ा और भी कुछ बातें हमने पढ़ी। इसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत ज्वार भाटा। तो देखिए इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए आपको सागर की लहरें तट पर दूर तक आती भी दिख रही हैं और दूसरी बार तट के पीछे भी जाती हुई दिख रही हैं। तो इसे ही कहते हैं ज्वार भाटा। तो इसे ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। अगर ज्वार भाटा की परिभाषा की बात करें तो महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है और ऐसा दिन में 2 बार होता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जब जल ऊपर उठेगा तो उसे कहेंगे ज्वार। अब दूसरी बात, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आता है, निम्नतम अर्थात नीचे, तो निम्नतम स्तर तक जब आ जाता है तो तट से पीछे चला जाता है, इसे कहते हैं भाटा। अंग्रेजी में ज्वार को कहते हैं टाइड और भाटा को कहते हैं ऐब। समुद्र में ज्वार भाटा आने के क्या कारण है बच्चों? तो इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल। ये सभी बल पृथ्वी पर लगते हैं और थल को तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते लेकिन जल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो देखिए कि ज्वार भाटा छोटे भी बनते हैं, लघु ज्वार भाटा, और काफ़ी ऊंचे भी बनते हैं, उन्हें कहते हैं वृहत ज्वार भाटा। तो देखते हैं लघु ज्वार भाटा कैसे बनता है। यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है सूर्य और ऊपर छोटा सा चंद्रमा, बीच में है पृथ्वी। तो पृथ्वी के केंद्र से इन दोनों की स्थिति को समझिए, समकोण बना रहे हैं ना। एक ओर से सूर्य प्रभाव डाल रहा है और दूसरी ओर से चंद्रमा प्रभाव डाल रहा है ना। तो यहाँ पर कैसा भाटा या ज्वार बनेगा, यहाँ पर कैसा ज्वार भाटा बनेगा? लघु ज्वार भाटा। क्यों? क्योंकि दो ओर से आकर्षण बट गया है। अब दूसरी स्थिति देखिए, वृहत ज्वार भाटा। किस स्थिति में बड़ी बड़ी तरंगे बनेंगी? तो आप पहली स्थिति देखिए, वृहत ज्वार भाटा के लिए सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा और उसके आगे पृथ्वी। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल एक साथ पृथ्वी के जल को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए ज्वार की ऊंचाई हो जाएगी अधिक। तो ये बनेगा वृहत ज्वार भाटा। और नीचे चित्र में देखिए, सूर्य अपनी ओर खींच रहा है और दूसरी ओर चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है। अब हमें पता है कि सूर्य तो बहुत दूर है तो सूर्य का प्रभाव कम पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी के पास है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के जल को ज़्यादा प्रभावित करती है और यहाँ पर भी बनेंगे वृहत ज्वार भाटा। और बच्चों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में सप्तमी और अष्टमी तिथि को लघु ज्वार बनते हैं, क्योंकि हमने चित्र में देखा ना कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से समकोण बना रहे थे। और वृहत ज्वार भाटा के बारे में, चंद्रमा पृथ्वी के निकट है, ज्वार उत्पन्न होने में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज़्यादा महत्व है। तो अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 तिथियां ऐसी हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो वृहत ज्वार उत्पन्न होता है। अब ज्वार या भाटा जो समुद्र में उठ रहे हैं, क्या इनका कोई महत्व है, क्या इनकी कोई इम्पोर्टेंस है? तो बिल्कुल है बच्चों। नौ संचालन में, नौ का अर्थ गिनती वाला नौ नहीं, नाव से है।
तो नाव या जो जहाज चलते हैं समुद्र में, उनके संचालन में ज्वार से मदद मिलती है, क्योंकि जब ज्वार तट के ऊपर तक आ जाता है तो बहुत आराम से नाव को किनारे पहुंचा देता है। और दूसरी बात, मछली पकड़ने में जब ज्वार ऊपर उठता है तो समुद्र की गहराई से बहुत सारी मछलियां निकलती हैं और तट पर फिक जाती हैं, तब मछली पकड़ने में आसानी हो जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है विद्युत उत्पादन। जब ज्वार की लहरें ऊपर उठती हैं तो वहाँ समुद्र में उपकरण लगाए जाते हैं और टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। आइए देखते हैं चित्र में। देखिए यहाँ विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है और पीछे आपको बैकग्राउंड में ज्वार दिखाई दे रहे हैं। इन ज्वारों की शक्ति से टरबाइन घूम रहा है और विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और ज्वार का महत्व देखिए आप, आपने देखा होगा लोगों को सर्फिंग करते हुए ज्वार में किस तरह से सर्फिंग की जा रही है। और एक अन्य चित्र में आपको नाव पर एक शेर दिखाई दे रहा है और शेर के साथ है पाई नाम का एक लड़का। जी हाँ, ये है फिल्म लाइफ ऑफ पाई का एक चित्र। इसमें आपको मछलियों का पूरा झुंड नाव की तरफ आते हुए दिख रहा है, किस कारण? ज्वार के कारण। तीसरा चित्र है एक जहाज है, उस जहाज में उसी प्रकार मछलियां आकर गिरी पड़ी हैं और आराम से मछलियों को पकड़ लिया गया है। अब ज्वार भाटा तो हो गया, अब हम देखते हैं महासागरीय धाराएं। तो बच्चों, महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, एक तो गर्म जल धारा और दूसरी ठंडी जल धारा। तो गर्म जल धारा किन्हें कहते हैं? गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गर्म जल धाराओं से स्थल का जो सतह है वहां का तापमान गर्म हो जाता है। इसका एक उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। और ठंडी जल धारा किसे कहते हैं? जो ध्रुवों से चलती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है, ठंड होती है, इसलिए वहां से ठंडी जल धाराएं बहती हैं। या फिर उच्च अक्षांश हैं, जो हमने शीतोष्ण वाला कटिबंध देखा था ना, वहां से जो धाराएं चलती हैं वो ठंडी जल धाराएं होती हैं, जैसे कि लेब्राडोर एक ठंडी जल धारा है। यहाँ आपको मानचित्र में महासागरीय जल धाराएं दिखाई दे रही हैं। बच्चों ध्यान से देखिए आप, इसमें पीले रंग से गर्म जल धारा को दिखाया गया है और नीले रंग से ठंडी जल धारा को। तो पहले हम भूमध्य रेखा के ऊपर देखते हैं, अलास्का धारा पीले रंग से दिख रही है, अर्थात वो क्या है? गर्म जल धारा। उसके नीचे कैलिफोर्निया धारा, ये कैसी धारा है? ठंडी धारा। अब आप ध्यान दीजिए, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म जल धारा है और ऊपर से आ रही है लेब्राडोर धारा, ये नीले रंग से है तो ठंडी है। तो जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा ये दोनों धाराएं मिल रही हैं, एक ठंडी एक गर्म, यहाँ पर मछली पकड़ने का काम बहुत अच्छे से होता है। और ये जगह है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। और आगे बढ़िए, आप पूर्वी दिशा में देखिए, आपको कुरोशियो धारा दिख रही है, गर्म जल धारा है, ऊपर से क्यूराइल धारा दिख रही है, ठंडी जल धारा है। तो ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं उस जगह पर है जापान द्वीप समूह। तो जापान में भी मछली पकड़ने का काम बखूबी होता है। तो ये थी ठंडी और गर्म जल धाराएं। नीचे भी आप देखिए, भूमध्य रेखा के नीचे पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी जल धारा है।
ब्राजील की धारा गर्म जल धारा है, वेंगुएला ठंडी जल धारा, अगुलहास गर्म जल धारा, और भी नाम आपको दिखाई यहाँ पर पड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं वहाँ पर कोहरा उत्पन्न होता है और मछली पकड़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ भी बनती हैं, जैसा हमने नक्शे में देखा जापान और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। जहाँ ठंडी और गर्म जल धाराएँ मिलती हैं ना वहाँ पर कोहरा उत्पन्न होता है और कोहरा उत्पन्न होने से नाव या जहाज संचालन में परेशानी आती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ज्वारभाटा और इसके अलावा महासागरीय जल धाराएँ। तो अब हम करते हैं कुछ कक्षा कार्य, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे क्या कहते हैं? उत्तर है ज्वार। दूसरा प्रश्न, जब जल अपने निम्न स्तर तक आता है और तट से पीछे चला जाता है तब उसे क्या कहते हैं? उत्तर है भाटा। प्रश्न तीन, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की हैं? उत्तर, दो प्रकार की महासागरीय धाराएं हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। प्रश्न चौथा है बच्चों, सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र के नाम बताइए। मत्स्य का अर्थ क्या होता है? मछली। इसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान। अब गृह कार्य की बारी। पहला प्रश्न, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं? प्रश्न दो, महासागरीय धाराएं क्या हैं? प्रश्न तीन, गर्म और ठंडी जल धाराओं के नाम बताइए तथा विश्व के मानचित्र में इन्हें दर्शाइए। प्रश्न चौथा है कि क्या कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार आता है? चित्रों की सहायता से अपने उत्तर को स्पष्ट करें। यहाँ खत्म होती है हमारी आज की कक्षा। बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।